तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे मी के इस नोटबुक होराइजन एडिशन को, जो कि अभी काफ़ी बढ़िया प्राइस में अवेलेबल है। और i7 वेरिएंट्स में इस वक्त सबसे कम प्राइस में यही एक लैपटॉप अवेलेबल है, और इसे खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कॉन्टेंट्स की तरफ। तो हमारी ये नोटबुक आती है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में, और यहाँ सामने इसके मॉडल एम होराइजन एडिशन को मेंशन किया गया है। अब बॉक्स में इस तरफ चले तो यहाँ पर इसकी MRP के बारे में बताया गया है। तो MRP तो है इसकी 65,999, पर आप इसे Amazon या फिर Flipkart से 50,000 की प्राइस के नीचे परचेज कर सकते हो। और यही तो आप इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कॉन्टेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारे ये लैपटॉप, जो कि आता है इस फुल मेटल बॉडी में। अभी हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं इसके बाकी कॉन्टेंट्स की तरफ। उसके बाद हमें देखने को मिलती है एक यूज़र मैनुअल, और फिर आता है इस छोटे से बॉक्स में इस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग एडेप्टर। तो फ्रेंड्स, हमें यही सब कुछ कॉन्टेंट जो है इसके बॉक्स में देखने को मिलते हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू और डिज़ाइन की। तो हमारा ये लैपटॉप आता है कुछ इस तरह के स्लिम से और प्रीमियम लुकिंग मेटालिक डिज़ाइन में, और मेरे पास है इसका ये ग्रे कलर का वेरिएंट। साथ ही साथ ये काफ़ी लाइट वेट भी है, और वेट है इसका सिर्फ और सिर्फ 1.35 kgs। यहाँ सामने आपको मी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और मेरे पास है इसका ये i7 वेरिएंट, जो कि 8GB रैम और 512GB SSD के साथ में हमें मिलता है। उसके अलावा Amazon और Flipkart पर आपको ये i5 प्रोसेसर के साथ में भी मिल जाएगा। ऊपर की तरफ ये लैपटॉप बिल्कुल क्लीन है और हमें कोई भी ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। अब इस पर मिलने वाले पोर्ट्स की तो हम बात करें तो यहाँ इस तरफ हमें देखने को मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट, उसके साथ ही में है चार्जिंग इंडिकेटर लाइट। फिर आता है एक HDMI पोर्ट, दो USB पोर्ट्स और एक USB टाइप सी पोर्ट। ये पोर्ट सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र के लिए है, और आप इस टाइप सी पोर्ट से लैपटॉप को चार्ज नहीं कर सकते हो। यहाँ इस तरफ है ये USB 2.0 पोर्ट, और साथ ही में है 3.5mm हेडफोन जैक। तो टोटल हमें 3 USB पोर्ट्स और एक टाइप सी USB पोर्ट मिलता है। अब लैपटॉप में पीछे की तरफ चले तो यहाँ पर इसके मॉडल नेम को मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ साइड्स में हमें देखने को मिलते हैं डुअल स्पीकर्स, जो कि 2 watts ईच है, और ये DTS ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। और इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। ये लैपटॉप आता है 14 इंचेस की एंटी ग्लेयर स्क्रीन के साथ में। बेजल्स आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नैरो है, और आप इसके डिस्प्ले को इतना टिल्ट कर सकते हो। हिंज क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, और आपने एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर से नोटिस की होगी कि लैपटॉप पर हमें वेबकैम नहीं मिलता। तो ऐसे में कई लोगों के लिए ये लैपटॉप एक डील ब्रेकर साबित हो सकता है। हालांकि आप इस पर एक्सटर्नल वेबकैम को तो लगा सकते हो, लेकिन यार इनबिल्ट कैमरा जो है वो मिसिंग है। उसके अलावा ये लैपटॉप आता है फुल साइज़ कीज़ के साथ में। कीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली कीज़ जो है इसकी बैकलिट नहीं है, और इस प्राइस रेंज में आने वाले नॉर्मली हमें बाकी लैपटॉप्स में बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। और मी को यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड हमें ज़रूर से देना चाहिए था। उसके अलावा ट्रैक पैड हमें यहाँ पर ठीक ठाक क्वालिटी में देखने को मिलता है, और ये मल्टी जेस्टर को सपोर्ट करता है। तो चलिए अब मैं जल्दी से आपको इस लैपटॉप को ऑन करके दिखाता हूँ। वैसे तो ये लैपटॉप आया था विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, लेकिन विंडोज़ 11 का अपडेट यहाँ पर अवेलेबल था, और मैं विंडोज़ 11 को यहाँ पर इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। तो देख सकते हो लैपटॉप हमारा यहाँ पर फटाफट से जो है वो बूट हो जाता है। स्क्रीन की ब्राइटनेस को भी मैंने मैक्सिमम पर सेट कर दिया है, और मैक्सिमम ब्राइटनेस पर हमें कुछ इस तरह की डिस्प्ले देखने को मिलती है। व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और बेजल्स भी काफ़ी ज़्यादा नैरो है। कलर्स भी काफ़ी पंची और एक्यूरेट है, और मैट फिनिश होने के कारण लाइट जो है स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो ऐसे में हमें यहाँ पर बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। ओवरऑल इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये काफ़ी ब्राइट भी है। और यही तो आप इसे आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में भी यूज़ करते हो तब भी आपको इसकी डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा नैरो बेजल्स के साथ में इसका डिस्प्ले जो है वो तो काफ़ी बढ़िया लगता ही है। अब बात करते हैं इस पर मिलने वाली परफॉर्मेंस और इसके स्पेक्स की। तो हमारे ये लैपटॉप आता है 10th जनरेशन इंटेल i7 प्रोसेसर के साथ में, और इस वक्त मार्केट में i7 वेरिएंट में सबसे कम प्राइस में यही एक लैपटॉप अवेलेबल है। उसके अलावा 8GB की रैम है और 512GB की SSD, लेकिन आप इन्हें अपग्रेड नहीं कर सकते हो। साथ ही में ये आता है NVIDIA के MX350 2GB ग्राफिक कार्ड के साथ में,
तो ऐसे में आपको हैवी गेम्स या फिर सॉफ्टवेयर चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल इस पर परफॉर्मेंस जो है हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। अब बात करते हैं इस पर मिलने वाली बैटरी की, तो लैपटॉप पर हमें 7 से 8 घंटे का आराम से बैकअप मिल जाता है, और साथ ही में ये आता है 65 वॉट के चार्जर के साथ में, और लगभग 1.5 घंटे में ही हमारा लैपटॉप जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो ओवरऑल आपको बैटरी बैकअप भी लैपटॉप पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके स्पीकर्स और इस पर मिलने वाली साउंड क्वालिटी की, तो हमारे ये लैपटॉप आता है डुअल स्पीकर्स के साथ में जो कि 2 वॉट्स ईच है, और साथ ही साथ ये DTS ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। लेकिन यार डुअल स्पीकर्स के साथ में भी इसकी साउंड जो है वो इतनी ज़्यादा लाउड नहीं है। हालांकि साउंड इस पर हमें क्लियर सुनने को मिलती है, लेकिन वो बिल्कुल भी लाउड नहीं है। और यही तो आप इस पर गेम्स या फिर मूवीज़ वगैरह को देखते हो तो आपको इसकी साउंड में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको कुछ म्यूज़िक को प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी साउंड क्वालिटी का अंदाज़ा हो सके। तो मैक्सिमम वॉल्यूम पर हमें कुछ इस तरह की साउंड सुनने को मिलती है, और मेरे हिसाब से इसकी साउंड की लाउडनेस जो है वो थोड़ी कम है। तो फ्रेंड्स आखिरी में अब हम बात करते हैं कि क्या इस प्राइस रेंज में हमें इस लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो यार प्राइस के हिसाब से इसका डिज़ाइन और परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया है, और जितनी बढ़िया लुक्स इस लैपटॉप की है उतनी ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी इस पर हमें मिलती है। हालांकि लैपटॉप पर हमें कुछ कमियां ज़रूर से देखने को मिलती है, जैसे कि हम इसकी रैम या फिर स्टोरेज को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, साथ ही में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है और ना ही वेबकैम है। और यही तो आप गूगल मीट या फिर जूम वगैरह पर वीडियो कॉल को लेते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए एक डील ब्रेकर साबित हो सकता है। हालांकि आप इसके साथ में एक्सटर्नल वेबकैम को तो कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अपने साथ में अलग से उसे कैरी करना पड़ेगा। वैसे ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है, और इस वक्त i7 प्रोसेसर के साथ में आने वाले सबसे कम प्राइस में हमें यही लैपटॉप मिलेगा। और यही तो आप एक बढ़िया प्राइस में i7 लैपटॉप को ढूंढ रहे हो तो आप डेफिनेटली मी के इस होराइजन एडिशन लैपटॉप की तरफ जा सकते हो, क्योंकि बजट प्राइस में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।